कई समय पहले की बात है, एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था और उसे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। रोहन कभी दीवार पर चित्र बनाता तो कभी मिट्टी पर। वह छोटे लकड़ियों या पत्थरों के टुकड़ों से चित्र बनाते रहता था। उसके पास पेंसिल कागज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर भी वह हर रोज कहीं ना कहीं पर चित्र बनाते रहता। एक दिन जब रोहन मिट्टी पर चित्र बना रहा था, तब वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उस बूढ़े आदमी ने रोहन को पेंसिल देते हुए कहा, ये लो बेटा, इस पेंसिल से चित्र बनाकर तुम गरीबों को देना और जरूरत पड़े तो इस पेंसिल से मुझे बुला लेना। फिर वह बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया। बूढ़े आदमी के जाने के बाद रोहन ने जमीन पर उस पेंसिल से एक आम का चित्र बनाया और अचानक वह आम का चित्र असली का आम बन गया। अरे वाह, ये तो एक जादुई पेंसिल है। फिर वह अपनी सारी जरूरतों का सामान जैसे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल और अपने माता पिता के लिए कपड़े, अनाज वे सब कुछ बनाए और वह साथ साथ में गरीबों की भी मदद करते रहा। एक दिन राजा को उस जादुई पेंसिल के बारे में पता चला और उसने रोहन को दरबार में बुलाकर कहा, रोहन, तुम इस जादुई पेंसिल से एक सोने के पेड़ का चित्र बनाकर हमारे बगीचे में लगा दो और उस जादुई पेंसिल को हमारे हवाले कर दो। नहीं महाराज, मैं केवल गरीबों के लिए ही चित्र बनाता हूँ, आप तो बहुत ही धनवान हो। रोहन की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया और रोहन से वह जादुई पेंसिल छीन लिया और फिर राजा उस पेंसिल से सोने के पेड़ का चित्र बनाने लगा, लेकिन वह सोने का पेड़ प्रकट नहीं हो पाया। और फिर राजा अपने चित्रकार से सोने का पेड़ बनवाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वह पेड़ प्रकट नहीं हो पाया। तब राजा और भी क्रोधित हो गया और फिर राजा ने रोहन से कहा, रोहन, तुम हमारी आज्ञा मानो वरना हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। अगर राजा मुझे बंदी बना लेंगे तो मैं गरीबों की मदद नहीं कर पाऊंगा। और फिर रोहन को एक योजना आई, अगर मैं राजा से किसी बहाने से पेंसिल ले लूं और उस बूढ़े आदमी का चित्र बनाकर बुला लूं तो वह शायद मेरी मदद जरूर कर पाएंगे। रोहन ने राजा से बहाना बनाकर पेंसिल ले ली और फिर वह उस पेंसिल को लेकर उस बूढ़े आदमी का चित्र बनाने लगा। थोड़ी देर में बूढ़ा आदमी वहां पर प्रकट हो गया और वह राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, आपके पास तो बहुत धन है, आप तो धनवान हो और रोहन इस पेंसिल से केवल गरीबों की मदद करता है और ये पेंसिल इसे दूसरों के हाथों में काम नहीं करती, ये केवल रोहन के लगन के कारण ही ये पेंसिल काम करती है। राजा को अपनी गलती का अफसोस हुआ, फिर उसने रोहन और उस बूढ़े आदमी से माफी मांगी और फिर रोहन गरीबों की मदद करते हुए अपना जीवन बिताया और खुद भी खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी व लगन के साथ अपना काम करना चाहिए और छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए।